अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेस क्रिएशन के बारे में देखा था कि प्रोसेसेस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। उसमें हमने क्रिएशन और टर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था। क्रिएशन के बारे में डिटेल से हमने देखा था, लेकिन टर्मिनेशन के बारे में हमने जो है आज के लेक्चर में देखना है। प्रोसेस क्रिएशन मीन व्हेन एवर यू क्लिक ऑन एनी एप्लीकेशन और फाइल और एनी थिंग दैट बिकम्स अ प्रोसेस एंड दैट इज़ क्रिएटेड एंड बिहाइंड द बटन क्लिक सम प्रोसेस हैज़ बीन डन बाय अ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस क्रिएशन। और वो कर्नल ख़ुद परफॉर्म करता है क्योंकि उसके लिए उसको पीसीबी क्रिएट करना पड़ता है हर प्रोसेस का। सो पीसीबी इज़ अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जहाँ पर आपके प्रोसेसेस जो हैं वो प्रोसेस की कॉन्टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन को सेव किया जाता है, दैट इज़ नोन एज पीसीबी। सो पीसीबीज़ को जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया में स्टोर किया जाता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। तो हमारी जो रैम होती है, मेन मेमोरी होती है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया एंड दैट इज़ आल्सो नोन एज कर्नल एरिया एंड द अदर वन इज़ यूज़र एरिया, वो यूज़र का एरिया होता है। सो जो पीसीबीज होते हैं वो कर्नल एरिया में क्रिएट किए जाते हैं। अब कर्नल एरिया जो है या ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया, यूज़र्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इन दैट एरिया। तो वो आप गलती से भी उस एरिया के अंदर एंटर नहीं हो सकते, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली दोनों तरह से। सो वेन एवर यू क्लिक द प्रोग्राम दैट बिकम्स अ प्रोसेस, तो बिहाइंड दैट क्या होता है कि आपका प्रोसेस का जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो थ्रू सिस्टम कॉल यानी किसी कमांड के थ्रू जो है प्रोसेस को क्रिएट करता है। एंड प्रोसेसेस हैव डिफरेंट टाइप्स, सम आर पेरेंट प्रोसेसेस एंड सम आर चाइल्ड प्रोसेसेस। पेरेंट प्रोसेसेस बेसिक प्रोसेस होता है आपका, और उसके बाद जो उसके अंदर सब प्रोसेसेस क्रिएट किए जाते हैं वो उनके चाइल्ड प्रोसेस होते हैं। और इनके डिफरेंट जो हैं वो नेचर के होते हैं। चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप जो है सम टाइम जो है वो चाइल्ड का रिजल्ट जो आते हैं तो फिर पेरेंट प्रोसेस कर सकता है, और समवेयर ऐसे होते कि इंडिपेंडेंटली दोनों रन कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पर आपका चाइल्ड और पेरेंट जो है, पेरेंट अगर क्लोज करें तो चाइल्ड भी बंद हो जाते हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट प्रोसेसेस। फ़ायदा क्या होता है आपका चाइल्ड पेरेंट बनाने का, बिकॉज वी कैन शेयर द रिसोर्सेस बिटवीन प्रोसेसेस। सो रिसोर्स चेज कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जो चाइल्ड यूज़ करता है वो पेरेंट की ही होती हैं, तो बजाय इसके कि वो चाइल्ड को भी अलग से लोकेट की जाए तो वो पेरेंट से ही रिसोर्स शेयरिंग कर लेता है, तो रिसोर्स शेयर हो जाते हैं। इस तरह से जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस क्रिएट होते हैं और उनकी वर्किंग होती है। प्रोसेस टर्मिनेशन, टर्मिनेट का मतलब होता है कि जब आपका प्रोसेस जो है वो आपकी रैम से एग्जिट हो जाता है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस टर्मिनेशन। एंड प्रोसेस एग्जीक्यूट लास्ट स्टेटमेंट्स। अब इसकी जो टर्मिनेशन है, देयर आर टू टाइप ऑफ टर्मिनेशन, नॉर्मल टर्मिनेशन एंड अबनॉर्मल टर्मिनेशन। सो नॉर्मल टर्मिनेशन तो यही होती है जब आपका प्रोसेस पूरे बाकायदा तौर पे रन होता है और देन इट रीच टू द लास्ट लाइन ऑफ द प्रोसेस, तो वो एग्जीक्यूट करता है, तो उसके बाद वो कोई काम नहीं रहता, तो वहाँ से प्रोसेसर जो है उसको एग्जिट कर देता है, तो टर्मिनेट हो जाता है। एज़ यू हैव सीन इन द प्रोसेस स्टेट डायग्राम, तो एक स्टेट होती है एग्जिट की, टर्मिनेशन की, ठीक है, तो वो स्टेट उस स्टेट में चला जाता है और रैम से वो एग्जिट हो जाता है। प्रॉपरली जो टर्मिनेशन होती है उसका फ़ायदा ये होता है कि बिकॉज प्रोसेसेस आर क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, सो टर्मिनेटेड इज आल्सो डन बाय अ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो टर्मिनेशन होती है, जो उसका पीसीबी होता है जो कि कर्नल एरिया में होता है, उसको बाकायदा तौर पे जो है वो एलिमिनेट या डिस्ट्रॉय किया जाता है, सो दैट कि नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको जगह एलोकेट की जा सके। इसके लिए कमांड यूज़ की जाती है एग्जिट की,
विच इज़ कॉल्ड सिस्टम कॉल। अब ये जितनी भी कमांड्स हैं इनको सिस्टम कॉल कहा जाता है, बिकॉज इट्स नेम शोज इट कॉल्स द सिस्टम। सिस्टम क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ये कमांड्स होती हैं। जैसे ही आप एग्जिट कॉल करते हो तो आपका जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है, वो एग्जिट हो जाता है, ठीक है। और इसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ले लिए जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेट की एक कमांड होती है, तो वेट की कमांड से और इसके अलावा जो है वो रिटर्न की एक यूज़ की जाती है, वेट की कमांड यूज़ की जाती है, जिसकी हेल्प से जो है हम वेट कर सकते हैं। कोई भी प्रोसेस जो है, पेरेंट प्रोसेस जो है वो चाइल्ड का वेट कर सकता है, ठीक है। प्रोसेस रिसोर्सेज आर डी एलोकेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो प्रोसेस के रिसोर्सेज जो हैं वो डी एलोकेट भी कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो पेरेंट मे टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ चिल्ड्रन, तो पेरेंट के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो अपनी चाइल्ड प्रोसेसेस को, वो अगर कोई इशू क्रिएट कर रहे हैं या हैंग कर रहे हैं या कोई और इलीगल कमांड यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है, जो पेरेंट प्रोसेस होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो अबॉर्ट की एक कमांड यूज़ करके जो है वो चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है। तो चाइल्ड हैज़ एक्सीडेड एलोकेटेड रिसोर्सेज, अगर उसने कोई चाइल्ड ने अपने रिसोर्सेज से एक्सीड कर गया है, टास्क असाइन टू चाइल्ड नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अगर उसको जो काम दिया गया था वो उसको रिक्वायर नहीं है अब पेरेंट को, तो भी उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, अबॉर्ट किया जा सकता है। द पेरेंट इज़ एग्जिटिंग, और अगर पेरेंट बंद किया जा रहा है या पेरेंट को एग्जिट किया जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं इन सम सिचुएशन। तो ये टर्मिनेशन की जो है वो मुख्तलिफ काइंड्स में आती है। प्रोसेस टर्मिनेशन, सम ऑपरेटिंग सिस्टम डोंट अलो चाइल्ड टू एग्जिट इफ इट्स पेरेंट हैज़ टर्मिनेटेड, तो कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि वो चाइल्ड को जो है वो एग्जिट नहीं कराते हैं अगर पेरेंट टर्मिनेट हो जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि वेदर इट इज़ अलाउइंग द चिल्ड्रन प्रोसेस टू प्रोसेस आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ पेरेंट आर नॉट। कैस्केडिंग टर्मिनेशन होती है, जिसमें हमारे चिल्ड्रन जो होते हैं, चाइल्ड प्रोसेस जो होते हैं, वो पहले क्लोज होते हैं, उसके बाद फिर पेरेंट क्लोज होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कैस्केडिंग टर्मिनेशन, मीन्स कि एक ले आउट को मैनेज किया जाता है, ठीक है। द टर्मिनेशन इज़ इनिशिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपकी टर्मिनेशन होती है वो बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से आती है। द पेरेंट प्रोसेस मे वेट फॉर टर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस, कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जो पेरेंट प्रोसेसेस होते हैं वो अपने चाइल्ड प्रोसेसेस की टर्मिनेशन का वेट करते हैं। जब चाइल्ड प्रोसेसेस जो हैं वो अपना रिजल्ट रिटर्न करते हैं, तो ही पेरेंट प्रोसेसेस क्लोज हो सकते हैं या टर्मिनेट हो सकते हैं। द कॉल रिटर्न स्टेटस इंफॉर्मेशन एंड द PID ऑफ द टर्मिनेटेड प्रोसेस, और जैसे ही हम एक वेट सिचुएशन में होते हैं, आपका पेरेंट प्रोसेस वेट कर रहा होता है किसी प्रोसेस का, जो उसका चाइल्ड प्रोसेस होता है, तो जैसे ही उस प्रोसेस आईडी की तरफ से वेट कंप्लीट होता है, वो अपना काम कर चुका है, तो फिर वो प्रोसेस जो आपका पेरेंट प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो सकता है। तो देयर आर मेनी मेथड्स दैट इज़ यूज फॉर टर्मिनेशन। If no parent waiting did not invoke wait processes, a zombie, अगर जो है कोई parent wait नहीं कर रहा, ठीक है, if no parent waiting did not invoke wait processes, a zombie, आपका process zombie कहलाता है। If parent terminated without invoking wait, और अगर आपका parent जो है वो without invoking wait जो है वो किसी प्रोसेस का वेट किए बगैर ही ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो उसको आर्फन प्रोसेस कहा जाता है।